अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार शेख, और मेरे साथ मौजूद हैं उनसा क्यानी। और नाज़रीन आज मौजूद हैं यहां पर टी जंक्शन पर, जहां पर बहुत ही एक डिफरेंट सा ट्रेंड है कि मटकी चाय बनाई जाती है। आप देख भी सकते हैं कि उस चाय को तड़का लगाया जा रहा है और बड़े डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जैसे सिनामोन है और इसमें जिंजर टी है और इसमें कड़क चाय है और इसमें कलंदरी चाय भी है, आप देख सकते हैं। तुम्हारा क्या कहना है उनसा इस बारे में? मैं तो कह रहा हूँ यार फौरन से ट्राई करनी चाहिए, देखने में वो इतनी मज़े की चीज़ लग रही है कि फ़ौरन से दिल कर रहा है कि बंदा लेके ट्राई करे। तो यहाँ पे मौजूद जाके लोगों से भी जानेंगे कि वो यहाँ पे आते हैं शाम के टाइम, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, एक ओपन एयर एनवायरनमेंट है, आते हैं शाम के टाइम, बैठते हैं फैमिली के साथ, ऑफिस से जब थके हुए निकलते हैं तो आते हैं और यहाँ पे चाय इन्जॉय करते हैं। तो आइए यहाँ पे मौजूद जाके लोगों से जानते हैं, एक तो चाय की प्राइसेस का भी पूछेंगे कि क्या प्राइसेस चल रही है और वो इस टेस्ट को कैसे इन्जॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकास। अच्छा वकास, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे अभी दोस्तों के साथ आए हुए हैं? जी बिल्कुल, दोस्त हैं सारे ये। अच्छा, ऑफिस से होके शाम में फ्री हुए तो आप चाय पीने आए? जी बिल्कुल, हम आते रहते हैं, हर वीक में आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये बताएं कि एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि वैसे ही बंदा जब शाम को थका होता ऑफिस से निकलता है तो दिल करता जाके चाय पिए इन्जॉय करे, तो एक तो ये बताएं कि आप यहाँ पे आते हैं वीकली, कैसा आपको लगता है ये माहौल? दूसरा ये प्राइसेस के हवाले से थोड़ा बताइएगा, प्राइसेस रीजनेबल है, हर बंदा आ सकता है यहाँ पे, इजीली आए इन्जॉय करे इसको? एक तो यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है जिसकी वजह से हम आते हैं यहाँ पे, और ऊपर से यहाँ पे चाय भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी रीज़नेबल है, मैनेजेबल है हमारे लिए, तो रीज़नेबल है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो वैसे कि यूनिक आइडिया है कि मटका चाय, तंदूरी चाय जिसे बोलते हैं, तो शायद लोग इसलिए अट्रैक्ट होकर आते हैं कि चाय भी इनकी अच्छी है। बिल्कुल, चाय भी अच्छी है, ऐसे लगता है जैसे देसी दूध की बनी हुई है, तो चाय भी अच्छी है और एनवायरनमेंट दोनों सही है। आपका नाम? उमर काकड़। उमर भाई, क्या कहना है आपका ये टी जंक्शन के बारे में कि चाय के इनके बड़े तरह तरह के फ्लेवर हैं, और आप इधर आके बैठे भी हुए हैं तो चाय जारी बात आप इधर पीते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इनके टेस्ट को लेकर, या आपको ऐसी क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है जो आप इधर आते हैं चाय पीने के लिए? चूँकि ये पुरानी रवायात का चीज़ है ना, इसलिए हम कोयटा से आया हुआ है, ख़ास कोयटा पर जब हम आएगा इस जगह पर हम आता है, ज़रूर आता है, और इस चाय के लिए आता है ख़ास, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा लगता है आपको पी के? मतलब प्राइस तो शायद इसकी थोड़ी ज़्यादा है कीमत, लेकिन क्या आप इसके जो क्वालिटी है, इसकी जो आप कह लेंगे क्वालिटी होगी या स्पेशलिटी होगी, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत ज़बरदस्त, इसलिए मैंने कहा मैं इसलिए भी पीता हूँ, महंगाई वो तो परवाह नहीं है, जो चीज़ अच्छा होता है, एक चीज़ शौकियाना होता है, जब अच्छी है तो लोग उसके कहते हैं हम उसकी कीमत अदा करेंगे। कीमत तो हमारा आल में इसका अदा का, अगर 200 रुपए का होएगा फिर भी हम इसको इसके लिए आता है, मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद जब मैं आता हूँ इसका जायका मैं चेक करता हूँ, वैसा नहीं जाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, पुरानी रवायात है, चूँकि हम लोग देहात में जावे अभी तक लस्सी इसी चीज़ों में पीता है, पानी खासतर लोग इसी में ठंडा कर रहे, तो ये मिट्टी वाला चीज़ है, इसमें अच्छा हो या हो वो तो इंसान की अपना पसंद होता है। आपका नाम? मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद, मुझे बताएं कि आप यहाँ पे चाय पीने आए तो कैसा फील हो रहा है? एक तो शाम के टाइम यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, तो आप मौसम को एंजॉय करना है चाय को? वैसे तो मौसम को एंजॉय करना है, लेकिन चाय यहाँ नज़र आ गई तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। आज आप पहली दफ़ा चाय पी? हाँ, ये पहली दफ़ा ही है। तो वैसे मौसम तो पूरे इस्लामाबाद का अच्छा है, कहीं और भी आप जा सकते हैं? नहीं, यहाँ पे असल में शॉपिंग करनी थी ना F7 से, तो उस वजह से इस तरफ। वैसे आपने ट्राई कर लिया चाय? नहीं, चाय अभी तक टेस्ट नहीं किया। टेस्ट करें और बताएं कैसी है चाय? चाय तो गर्म ही होती है, टेस्ट बताएं। टेस्ट सही है इसका। दोबारा आएंगे यहाँ पे, आपको कैसी लगी? मतलब ऐसी लगी कि आप दोबारा आना चाहेंगे? दोबारा तो आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यही एक ही इनका है, तो इधर आएंगे इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ आवाम ने टी जंक्शन पर बहुत ही अच्छे हमें रिव्यूज़ दिए, स्पेशली ये जो है चाय की स्पेशलिटी इसको लेकर, मटकी चाय की, के इसमें ज़ाफ़रान जो फ्लेवर है वो भी है, और जो ख़ासतौर पे मैंने पूछा ज़्यादातर लोगों से कि ये मटकी पे जो ट्रेंड है चाय का ये क्यों लेकर, तो मोस्टली लोगों का ये कहना था कि ये एक रवायत है पुरानी, और इसमें चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है और टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट आता है। तुम्हारा क्या कहना है उनसा इस बारे में? बिल्कुल, और ख़ासतौर पर जो हमने चाय ख़ुद भी ट्राई की बहुत ही मज़े की, यही इसकी ख़ास वजह है कि जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, और इतना ज़्यादा रश है लोगों का, और तमाम लोगों का यही कहना था कि वो इसी चाय की वजह से यहाँ पे आते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, लाइक कमेंट और शेयर करना हर किस्मत भूलिएगा। देखते रहिए विजन टीवी। अल्लाह हाफिज़।